तो एक नौजवान आया, कुरैशी नौजवान था, अबू हुरैरा के पास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और कहने लगा, अबू हुरैरा तुम अल्लाह के नबी की बहुत बातें बयान करते हो, बहुत अहदीस बयान करते हो, मैंने ये जुब्बा पहना हुआ है, इसके बारे में कुछ बताओगे? कुछ कहा है अल्लाह के नबी ने? तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाने लगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं कभी अल्लाह के नबी के बारे में तुम्हें बातें ना बताता, लेकिन चूंकि मैंने अल्लाह का कलाम सुन रखा है जिसमें ये बात है कि हक बात न छुपाना, हक बात न छुपाना, इल्म की बात न छुपाना, तो ये बात मुझे मजबूर करती है कि मैं नबी की बातें तुम्हें पढ़ पढ़ के और तुम्हें सुनाता हूँ, तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि एक शख्स था जो मुतकब्बिर तकब्बुर था, फख्र करता था, उसने बाल ऐसे बना रखे थे और उसके ऊपर चादर ऐसी थी जिसमें वो उजुब में मुब्तला हुआ था, अपनी बड़ाई उसके दिल में थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फखसफ अल्लाहु बिहिल अर्ज़, जमीन ने उसे अपने अंदर निगल लिया, जमीन ने उसके अंदर निगल लिया। एक तो वो अजाब है ना जो हिसाब व किताब के बाद होगा, और एक वो अजाब है जो मरते ही शुरू हो जाता है, जैसे बरज़ख कहते हैं, जो आखरत की ज़िंदगी से पहले पर्दे में है और दुनिया की ज़िंदगी के बाद पर्दे में है, दरमियान का एक मौसम है, उसे बरज़ख कहते हैं। बरज़ख की ज़िंदगी है जिसे कब्र की ज़िंदगी कहते हैं, जो मरने के बाद और दोबारा हिसाब व किताब से उठने से पहले का जो मौसम है, ये बरज़ख की जिंदगी है, ये कब्र की जिंदगी है, इस पर अजाब है। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिही अर्ज़, जमीन में धंसना हुआ, बहुत बड़ा सरमायादार था और वो अपनी दौलत में तकब्बुर में मुबतला था, वक्त के नबी से कहने लगा, इस दौलत के बारे में मुझे कुछ ना कहना, ये मेरे अपने हाथों की और अपनी सलाहियतों की और अपनी दानिश और अकलमंदी की कमाई है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा तालीमात करने की ज़रूरत नहीं है, हिदायत देने की ज़रूरत नहीं है। नबी से कहने लगा, बेअदब बेइस्ताख। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे उसकी सारी दौलत के साथ, ये कुरान में है, कुरान में सारी दौलत के साथ शाहाना महल, उसमें अंदर वो बैठा हुआ, दौलत के ढेर लगे हुए, बड़े बड़े संदूक उसके दौलत के, और उस दौलत के संदूकों की चाबियां भी एक बड़ी जमात उसके लिए बिठाई होती थी जो चाबियां उठा के लाया करती थी। लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, अल्लाह की शान, दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि उसका वो महल और उसकी वो दौलत और वो बड़ा सरमायादार जो नशुकरा था, एहसान फरामोश था, वक्त के नबी की तालीमात का इनकारी था, जमीन के अंदर धंसता चला गया, धंसता चला गया। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिही अर्ज़, अल्लाह कह रहा है, फ़मा कान लहू मिन फिया, इसे बड़ी अपनी अक्सरियत और अपने ताल्लुकात और अपनी शोहरत पर बड़ा एतमाद और बड़ा नाज था, कहाँ है आज कोई उसकी मदद को दौड़ने आए, आए कोई उसकी मदद के लिए, कोई नहीं आया। फफा कन लहु मिन फियति यनसुरुनहु मिन दुनिल्लाह, कौन मदद करेगा? तो जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फिर आदमी तमाशा बन जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि तकब्बुराना चाल के कपड़े सलवार चादर जमीन पे घिसट रही है, टखनों से नीचे है, ये मुतकब्बिरों का अंदाज है। इसलिए मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी की सुन्नत है लिबास के बारे में, सलवार टखनों से ऊंची हो, चादर टखनों से ऊंची हो।